हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिवानी आर्ट क्लासेस की आज की क्लास में। और आज इस क्लास में हम 126 नंबर से देखेंगे। इसके पहले के सभी प्रश्न कराए गए हैं। अगर आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करें और सभी पार्ट्स देखें। और ये आपकी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, तो आज की रिवीजन क्लास 6 है और इसमें हम बहुत ढेर सारे प्रश्नों को करेंगे, यानी 100 के करीब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप लोगों का कमेंट्स था, मैम क्वेश्चंस ज़्यादा ले आइए, आरपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो बस उसी कमेंट्स के हिसाब से आज हमने 100 क्वेश्चन लिए हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, वीडियो पर व्यूज़ अगर कम आते हैं तो हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलता वीडियो बनाने का, इसलिए थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए ही आप इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। साथ ही कमेंट्स करें, अपने भी आंसर दिया करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 126, ठीक है। इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? बैंगनी है, नारंगी है, पीला है, हरा? तो आप लोगों को पता है कि पीला रंग जो है ये प्राथमिक रंग में आता है, ये द्वितीयक रंग समूह का नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। पीला रंग प्राथमिक रंग समूह का है और ये द्वितीयक नहीं है। द्वितीयक कौन कौन सा होता है? हरा, बैंगनी, नारंगी, ठीक है, जो कि प्राथमिक रंगों के मिश्रण से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, देखें और रिवीजन करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 127, न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया, तो कब प्रस्तुत किया? 1660 में, 1560 में, 1680 में, 1960 में। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र जो है 1660 में दिया था। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। और रंगों की उत्पत्ति का सबसे जो प्राकृतिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश है, ये भी आप लोग अच्छे से जानते होंगे। और सूर्य के प्रकाश से जो विभिन्न प्रकार के रंगों की उत्पत्ति होती है उसे प्रिज्म की सहायता से देखने पर पता चलता है कि सूर्य 7 रंग ग्रहण करता है, जिसे सूक्ष्म या अंग्रेजी भाषा में बेक्योर और हिंदी में बैनी आह पी ना ला कहा जाता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, इससे आपको आसानी होगी याद करने में। बैनी आह पी ना ला, इसको याद रखेंगे तो भी ये गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम पहचानिए। नीला, आसमानी, बैंगनी, हरा? आसमानी नीला, हरा बैंगनी, हरा बैंगनी आसमानी नीला, या फिर बैंगनी नीला आसमानी हरा? तो अभी हमने ऊपर आपको बताया कि बैनी आह पी ना ला, याद रखेंगे बिग योर, ठीक है। वी से आपका वायलेट होता है, आई से इंडिगो होता है, और बी से ब्लू होता है, जी से ग्रीन, वाई से येलो और ओ से ऑरेंज, ठीक है, तथा आर से क्या होता है? रेड होता है। तो इस तरह से आपके जो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुषों के, इसका जो सही क्रम है यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, बैनी आ, यानी कि बैंगनी नीला आसमानी हरा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, 12, 3, 8, तो इंद्रधनुष में पूरे 7 रंग होते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 130 देखिए। काले व सफ़ेद रंग को माना जाता है, काले व सफ़ेद रंग को क्या माना जाता है? प्राथमिक रंग, गर्म रंग, द्वितीयक रंग, अवर्णीय रंग। काले व सफ़ेद रंग को क्या माना जाता है? आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करें। कुछ लोग करते हैं, सभी लोग आंसर किया करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो काले व सफ़ेद रंग को क्या माना जाता है? काले व सफ़ेद रंग को अवर्णीय रंग माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, काले व सफ़ेद रंग को अवर्णीय रंग माना जाता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एक बार ध्यान देंगे, प्राथमिक रंग कौन कौन से होता है? तो प्राथमिक रंग आपके होते हैं पीला, लाल, नीला। ठीक है, याद रखिएगा, प्राथमिक रंग होते हैं पीला, लाल, नीला। इसके अलावा आपके द्वितीयक रंग होते हैं, इन्हीं प्राथमिक रंगों के मिलाने से जो रंग बनते हैं द्वितीयक कहलाते हैं। उसके अंतर्गत आता है नारंगी, बैंगनी, हरा। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में गर्म रंग कौन कौन से हैं, तो नारंगी और लाल, ठीक है, ये सभी आपके गर्म रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 131। समान अनुपात में नीले और लाल के मिश्रण से उत्पादन होगा, समान अनुपात में नीले और लाल के मिश्रण से उत्पादन होगा मैरून, नारंगी, भूरा, बैंगनी। तो समान अनुपात में नीले और लाल के मिश्रण से बैंगनी रंग बनता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख लीजिए पदार्थ का वर्ण चक्र, आप बिल्कुल देख लीजिए और इसको ध्यान रखिएगा। ये है आपका पदार्थ का वर्ण चक्र। आपसे पूछा जाता है दो तरह से, पदार्थ का वर्ण चक्र और प्रकाश का वर्ण चक्र, अलग अलग होता है। तो आप देखिएगा, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, लाल, ठीक है, और बीच में है भूरा। तो ये आपका है पदार्थ का वर्ण चक्र। इसके आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, और ये आरपीएससी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ण को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर भी एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है, क्या कहलाता है? वर्ण को यानी कि रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर भी एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है तो क्या कहलाता है? अनुक्रम, संगति, संतुलन, विरोधाभास। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुक्रम। ठीक है, रंग चित्रभूमि पर लगाकर प्रवाह उत्पन्न किया जा सकता है, जिसे अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 133 देखिए। द्वितीयक रंगों के सही समूह को चुने। तो यहाँ पर है पीला, है बैंगनी, हरा, पीला, लाल, नीला, नारंगी, बैंगनी, हरा, लाल, नीला, हरा। तो यहाँ पर द्वितीयक रंगों का सही समूह चुनना है। बिल्कुल आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, नारंगी, बैंगनी, हरा। ठीक है, नारंगी, बैंगनी, हरा, ये द्वितीयक रंग होते हैं और ये प्राथमिक रंगों को मिलाने पर बनते हैं। ठीक है, और प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला, और इन्हीं दो मुख्य रंगतों के मिश्रण से जो तीसरा रंग बनता है वो द्वितीयक श्रेणी का रंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 134 देखिए। निम्न में से प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? श्वेत, नीला, लाल, पीला। प्रकाश की मात्रा पीले रंग में सर्वाधिक होती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो देख लीजिए प्रकाश के प्राथमिक रंग। ठीक है, प्रकाश के प्राथमिक रंग आरजीबी, पदार्थ के प्राथमिक रंग आरबीवाई, प्रिंटिंग के रंग होते हैं जो सीएमवाई के, वी से आपका वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। साथ ही ध्यान दीजिए, पीले रंग में प्रकाश की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 देखिए। जो रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा और दूरी दर्शाता है। शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा और दूरी दर्शाने वाला रंग कौन सा है? हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग, सफ़ेद रंग। तो
राजस्व आप लोग याद रखिएगा, साथ में शीतल, तो कौन सा रंग हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, नीला रंग। ठीक है, नीला रंग जो है ये शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा और दूरी को दर्शाता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? केवल श्वेत तथा श्याम रंग का ही प्रयोग किया जाता है तो क्या कहलाता है? वर्ण शून्यता, एक वर्णीय, बहुवर्णीय नियोजन, समीपस्थ, वर्ण संगति। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वर्ण शून्यता। केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है तो क्या कहलाता है? वर्ण शून्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 137 देखिए। किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह कहलाता है? समीपवर्ती वर्ण, एकाकी वर्ण, मुख्य वर्ण, तृतीय वर्ण। तो दो प्रधान रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वो आपका द्वितीयक रंग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? द्वितीयक रंग। राइट आंसर हो जाएगा डी। जैसे कि पीला और लाल मिलाने से नारंगी बनता है, पीला और नीला मिलाने पर हरा रंग आपका बनता है, लाल और नीला मिलाने पर बैंगनी रंग। तो जब किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाते हैं तो जो रंग हमें प्राप्त होता है वो हमारा द्वितीयक वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 138 देखिए। रंग जो उत्तेजना, क्रोध, ओज, भय तथा शंका और कामुकता तथा आवेग दर्शाता है वह कौन सा रंग है? हरा रंग, पीला रंग, नीला रंग, लाल रंग। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से फिर पढ़ लेंगे। रंग जो उत्तेजना, क्रोध, ओज, भय तथा शंका और कामुकता तथा आवेग दर्शाता है वह कौन सा रंग होता है? लाल रंग हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, लाल रंग। लाल रंग जो होता है ये उत्तेजना, क्रोध, ओज, भय, शंका और कामुकता तथा आवेग को दर्शाने वाला रंग होता है। लाल रंग उत्तेजक एवं आकर्षक होता है। ठीक है, और स्त्रियों को यह बहुत लोकप्रिय भी होता है, तो याद रखिएगा। और साथ ही याद रखेंगे, हरा रंग जो होता है यह ताजगी, कच्चापन, यौवन एवं अपरिपक्वता का प्रतीक है। ठीक है, और पीला रंग जो आपका होता है, पीला रंग सर्वाधिक चमक एवं प्रकाश युक्त किंतु सबसे कम लोकप्रिय है, और यह प्रसन्नता तथा सूर्य प्रकाश, दिव्यता, यश आदि का प्रतीक माना जाता है। नीला रंग शांत, मधुर, निष्क्रियता, ईमानदारी, आशा, लगन, इन सब का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 139 देखिए। कौन सा शीतल रंग ग्रुप है? पीला, लाल, नारंगी, नीला, हरा, नीला, बैंगनी, पीला, नीला, लाल, हरा, नारंगी, लाल। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शीतल रंग ग्रुप है। तो शीतल रंग ग्रुप होता है आपका नीला, हरा, नीला, बैंगनी। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 140 देखिए। यदि काले वर्ण के बड़े स्थान के निकट छोटा सफ़ेद स्थान हो तो वह प्रतीत होगा। यदि काले वर्ण के बड़े स्थान के निकट छोटा सफ़ेद स्थान हो तो वह प्रतीत होगा प्रसन्नता का, मुक्तता का, शांति का, दुख का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दुख का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, यदि काले वर्ण के बड़े स्थान के निकट छोटा सफ़ेद स्थान हो तो वह किसका प्रतीक होगा? दुख का। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 141। शुद्ध लाल रंग के घेरे के बाहर किस रंग की अनुभूति होने लगती है? शुद्ध लाल रंग के घेरे के बाहर किस रंग की अनुभूति होने लगती है? हरा, पीला, हल्का लाल, गहरा लाल। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 142 देखिए। रंग की प्रकृति को कहते हैं, रंग की प्रकृति को कहते हैं रंगत, मान, सघनता, शुद्धता। तो रंग की प्रकृति क्या कहलाती है? ये आपकी रंगत कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सभी क्वेश्चन आरपीएससी वाले ही हैं।
तो आरपीएससी वालों का एग्ज़ाम शायद नज़दीक आया है, तो वो ध्यान देंगे इन क्वेश्चंस को, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स भी करते रहिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? पीला, नीला, लाल, हरा। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, लाल। ठीक है, प्रकाश के रंगों की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। प्रकाश के रंग को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। प्रकाश के रंगों का क्रम भी याद रखेंगे, VIBGYOR विग्योर। साथ ही लाल रंग जो होता है इसकी तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 144, कौन सा रंग वर्ण एक वर्णीय रंग के अंतर्गत नहीं आएगा? बैगनी, नीला, हल्का नीला, गहरा नीला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन का द्योतक है क्रमस्थापना, विलोम पद्धति, विभाजन पद्धति, तान। तो तान जो होता है ये रंगत के हल्केपन और गहरेपन का द्योतक माना जाता है। ठीक है, जो भी है रंगों के हल्के अथवा गहरे, रंगों को हल्के अथवा गहरे करने का जो द्योतक है वो तान ही होता है, टोन। ठीक है, हल्का रंग और गहरा रंग क्या होता है? टोन होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, किसी रंग को बहुत देर तक देखते रहने के बाद यदि हम आंखें बंद कर ले तो किस रंग का अनुभव होगा? काला, सफ़ेद, पूरक वर्ण, समीपवर्ती वर्ण। किसी रंग को बहुत देर तक देखने पर यदि हम आंखें बंद कर ले तो किस रंग का अनुभव होगा? तो यहाँ पर होगा राइट आंसर सी, पूरक वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं? स्थिर बिंदु, दृष्टि बिंदु, क्षितिज रेखा, दृष्टि रेखा। स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दृष्टि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, 7 रंगों को एक वृत्त में घुमाने को कहा जाता है? सतरंगीय, रंग चक्र, इंद्रधनुष, प्रकाश पुंज। 7 रंगों को एक वृत्त में घुमाने को क्या कहा जाता है? रंग चक्र कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें एक वृत्ताकार चक्र होता है, ठीक है, जो कई भागों में बटा गया होता है और इसमें आमने सामने अलग अलग रंग होते हैं जो एक दूसरे के विरोधी रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर आप इस चक्र को भी देख सकते हैं, ये है आपका वैज्ञानिक रंग चक्र। ठीक है, ये वैज्ञानिक रंग चक्र है और ये ऑस्टवार्ड रंग चक्र है, तो दोनों को ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, अभिकथन वाला क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। रंग चक्र में तृतीय श्रेणी के रंग सादृश्य रंग के रूप में भी संबंधित है। रंग चक्र में तृतीय श्रेणी के रंग सादृश्य रंग के रूप में भी संबंधित है। तर्क यहाँ पर क्या दिया गया है? क्योंकि रंग चक्र में तृतीय श्रेणी के रंग प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के रंगों के बीच स्थित होते हैं। रंग चक्र में तृतीय श्रेणी के जो रंग हैं वो प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के रंगों के बीच स्थित होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, अभिकथन ए है, प्राथमिक एवं द्वितीयक रंग के मिश्रण से तृतीयक रंग बनते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक रंगों के मिश्रण से क्या बनते हैं? तृतीयक रंग बनते हैं। तर्क यहाँ पर दिया गया है, जिसके कारण तृतीयक रंग दो शब्दों के नाम जैसे नीला, हरा,
लाल बैंगनी और पीला नारंगी है। तो यहाँ पर तर्क आर भी दिया गया है और इसमें से यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों यहाँ पर सही बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगों के सही क्रम का चयन करना है यहाँ पर, प्राथमिक द्वितीयक चतुष्क तृतीयक। ऑप्शन बी में है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुष्क, सी ऑप्शन कह रहा है द्वितीयक प्राथमिक चतुष्क तृतीयक और डी ऑप्शन है तृतीयक प्राथमिक द्वितीयक चतुष्क। तो यहाँ पर रंगों के सही क्रम का चयन करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुष्क। ठीक है, रंगों का सही क्रम क्या होगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुष्क, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य रंग है, पीला बैंगनी, पीला नारंगी, नारंगी नीला, हरा लाल। तो यहाँ पर सादृश्य यानी समान रंग कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पीला और नारंगी यहाँ पर आपका सादृश्य रंग है, सादृश्य मतलब समान रंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तटस्थ रंग हैं सफ़ेद, पीला, नीला, लाल। तो तटस्थ रंग कौन सा होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, काला, सफ़ेद और ग्रे आपका जो होता है तटस्थ रंगों के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर ए सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है एकाकी वर्ण योजना है, लाल पीला नीला, लाल हल्का पीला गहरा नीला, नीला हल्का नीला गहरा नीला, हरा नारंगी बैंगनी। एकाकी वर्ण योजना क्या होती है, तो एक एकाकी वर्ण योजना जो है ये किसी एक रंग के विभिन्न बलों का प्रयोग एक वर्ण योजना कहलाती है, जैसे नीला हल्का नीला और गहरा नीला। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नीला हल्का नीला और गहरा नीला एकाकी वर्ण योजना, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग में मिलाकर बनाए गए रंगों को कहा जाता है। प्राथमिक रंगों को द्वितीयक रंगों में मिलाकर जब बनाया जाता है और जो तीसरा रंग होता है उसे क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तृतीयक वर्ण कहलाता है, तृतीयक रंग। ठीक है, जब भी प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग में मिलाया जाता है और जो तीसरा रंग बनता है उसे तृतीयक रंग कहते हैं, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156 देखेंगे, काले व सफ़ेद रंग को माना जाता है, तो काले व सफ़ेद रंग को क्या माना जाता है, अवर्णीय, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 किसी चित्र में एक ही रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है, पूरक रंग योजना, अवर्णीय रंग योजना, एक वर्णीय रंग योजना, समीपवर्ती रंग योजना। किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग क्या कहलाता है, तो विभिन्न तानों का प्रयोग होता है एक वर्णीय रंग योजना। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, एक वर्णीय रंग योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 158 ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से पूरक रंग नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पूरक रंग नहीं है, तो इसके ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं। आप इतना ध्यान देंगे कि पूरक रंग यानी कि विरोधी रंग जो होते हैं, लाल का विरोधी हरा होता है, नारंगी का विरोधी नीला होता है और पीला का विरोधी बैंगनी होता है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 159, निम्न में से कौन सी रंगत गर्म नहीं है, लाल नारंगी, नीला बैंगनी, लाल लाल बैंगनी। राइट आंसर बी हो जाएगा, नीला और बैंगनी ये गर्म नहीं है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 देख लीजिए, मूल रंग कौन सा है, बादामी, नीला, हरा, नारंगी। तो मूल रंग आपका नीला हो जाएगा, राइट आंसर बी, और ये आपका देखिए कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर
देखिए रंगों की शक्ति में बढ़ावा किसमें वृद्धि करता है? क्वेश्चन नंबर 161 है, रंगों की शक्ति में बढ़ावा किसमें वृद्धि करता है? शीतलता, तीखापन, नीरसता, दृश्यता। राइट आंसर हो जाएगा डी, दृश्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 162, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आपको पता है 7 रंग होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 163, कौन सा गर्म रंग होता है? काला, नीला, पीला, लाल। तो लाल रंग यहाँ पर आपका गर्म रंग हो जाएगा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, अभिकथन ए है, तर्क आ दिया गया है। तो अभिकथन ए है, किसी रंग को सामान्यतः ह्यू द्वारा वर्गीकृत किया जाता है जो किसी रंग का शुद्ध रूप होता है। आर कह रहा है तर्क, किसी रंग की संतृप्ति का आशय उसके ह्यू की शुद्धता की सीमा से नहीं है, इसलिए कोई भी शुद्ध ह्यू पूर्णतया संतृप्त होता है। तो यहाँ पर आपका अभिकथन तो सही है, लेकिन तर्क इसका जो दिया गया है ये आपका गलत है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 165 देखिए, कथन ए है, तान का संबंध सघनता से है। कथन बी है, बल यानी मान का संबंध रंगत से है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तान का संबंध जो होता है सघनता से है, कथन में है, और कथन बी है, बल यानी मान का संबंध रंगत से है, यानी कि ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, कथन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सादृश्य रंग हैं? पीला बैंगनी, पीला नारंगी, नारंगी नीला, हरा लाल। सादृश्य यानी समान रंग कौन से हैं यहाँ पर? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पीला और नारंगी आपके सादृश्य रंग कहे जाते हैं। ठीक है, सादृश्य रंग पीला नारंगी होता है। प्रकाश के प्राथमिक रंग लाल, नीला, हरा होता है। प्राथमिक रंग यानी पदार्थ के जो मूल रंग हैं नीला, पीला, लाल। द्वितीय श्रेणी के रंग हरा, बैंगनी, नारंगी, और सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले रंग हैं लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? हल्दी, गेरू, रामराज, हिरौजी। तो हल्दी जो है ये आपका खनिज रंग नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 168, अभिकथन ए है, सी एम वाई के में के ई वाई के लिए है। ठीक है, तरकार है, क्योंकि सी एम वाई के में के अंतिम वर्ण उसी प्रकार आता है जैसे ब्लैक शब्द में के आता है। तो यहाँ पर इसका चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ए और आर दोनों यहाँ पर सही बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169, निम्न में से कौन सा समीपवर्ती वर्ण नहीं है? पीला, पीला नारंगी, नारंगी, नीला। तो नीला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी नीला, ये समीपवर्ती वर्णों में नहीं आता, नीला राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए, सघनता है वर्ण चक्र, उष्ण वर्ण, वर्ण की शुद्धता, रंग। सघनता क्या होती है? इंटेंसिटी यानी वर्ण की शुद्धता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ण की शुद्धता का परिचायक है सघनता। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 171 देखिए, वर्ण की प्रकाशित अवस्था को कहा जाता है टिंट, शेड, मीडियम शेड, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण की जो प्रकाशित अवस्था होती है इसे टिंट कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और किसी भी वर्ण में सफ़ेद के मिश्रण से ही टिंट को हल्का या गहरा बनाया जाता है। राइट आंसर है ए यहाँ पर, टिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 172 देखिए, इनमें से कौन सा गर्म रंग नहीं है? लाल, पीला, नारंगी, नीला। तो नीला रंग जो है यहाँ पर ही आपका गर्म रंग नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 173, आँखों में कौन सा स्नायु रंगों का अनुभव करता है? आँखों में कौन सा स्नायु रंगों का अनुभव करता है? अक्षपटल, नेत्रगोलक, पलक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, अक्षपटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 174, कौन सा रंग प्रकाश की अधिकतम मात्रा रखता है? पीला, पीला, हरा, काला। तो कौन सा रंग प्रकाश की अधिकतम मात्रा रखता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में भी पीला है, ऑप्शन बी में भी पीला है। राइट आंसर यहाँ पर ए या बी, दो में से कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि ए में भी पीला है और बी में भी पीला दिया गया है, क्योंकि पीला रंग जो होता है ये सर्वाधिक प्रकाश वाला रंग होता है और ये प्रफुल्लता, प्रकाश, बुद्धिमत्ता, प्रसन्नता और समीपता का द्योतक भी है। राइट आंसर ए, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 175 देखिए, चित्र में काले सफ़ेद रंग के प्रयोग को कहते हैं बहुवर्णी नियोजन, वर्ण शून्यता, एक वर्णी, इनमें से कोई नहीं। तो काले सफ़ेद रंग के प्रयोग को क्या कहा जाता है? वर्ण शून्यता। राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्ण शून्यता। क्वेश्चन नंबर 176 देखिए, तीन प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? नारंगी, हरा, बैंगनी, लाल, पीला, नीला, लाल, काला, नीला, लाल, सफ़ेद, नीला। तो प्राइमरी रंग यानी मुख्य रंग कौन कौन से हैं? लाल, पीला, नीला। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, लाल, पीला, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 177 देखिएगा, अभिकथन ए है, शांत भावनाओं को प्रकट करने वाले संयोजन में सफ़ेद, नीले, भूरे और पीले रंगों की वर्ण योजना का उपयोग करना चाहिए। तो ये आपका सही है। ठीक है, अभिकथन बी देख लीजिए, कोमल भावों को प्रकट करने वाले चित्र में कोमल और चिकनी पोत का उपयोग करना चाहिए। कोमल भावों को प्रकट करने वाले चित्र में कोमल और चिकनी पोत का उपयोग करना चाहिए। तो ये भी आपका सही है, यानी इस तरह से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 178 देखिए, निम्न में से कौन सी रंगत अग्रगामी है? लाल, हरा, नीला, नील, हरित। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल। कौन सी रंगत अग्रगामी है? लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 179 देखिए, किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने पर उसका मान बढ़ जाता है, मान घट जाता है, तान बढ़ जाता है, सघनता बढ़ जाता है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? किसी भी रंग में जब सफ़ेद रंग मिलाया जाता है तो क्या होता है, उसका मान बढ़ जाता है या फिर मान घट जाता है? यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मान बढ़ जाता है। ठीक है, जब भी किसी रंग में हम सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो उसका मान यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 देखिए, एक वर्णीय रंग योजना है, एक वर्णीय रंग योजना क्या होती है? तो एक वर्णीय रंग योजना है जब किसी एक रंग के विभिन्न बलों का प्रयोग एक वर्णीय योजना कहलाता है, जैसे नीला, हल्का नीला, गहरा नीला। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नीला, हल्का नीला, गहरा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181 देखिए, तटस्थ रंग कौन सा है? तो नारंगी, लाल, हरा, काला। यहाँ पर आपका काला रंग जो है ये तटस्थ रंग में आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, तटस्थ रंग वे रंग होते हैं जैसे सफ़ेद, ग्रे, काला, इन रंगों को तटस्थ रंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 182, बैंगनी रंग हमें कैसा प्रभाव देता है? ज्ञान, बुराई, घृणा, राजसी। बैंगनी रंग जो है ये राजसी रंग होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, समृद्धि, वैभव, प्रभावशीलता, वीरता, शान, शौकत, इन सभी का ये प्रतीक है। तो बैंगनी रंग किसका प्रभाव देता है? राजसी प्रभाव देता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 183, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग तीन होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, लाल, पीला, नीला, ये तीनों ही प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। और प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग बनता है वही हमारा द्वितीयक रंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
क्वेश्चन नंबर 184, जो रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा और दूरी दर्शाता है, तो हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग, सफ़ेद रंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला रंग, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185, देखिए प्राथमिक रंग है हरा, पीला, लाल, पीला, नीला, लाल, पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, गुलाबी, हरा। प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो पीला, नीला, लाल, ये आपके प्राथमिक रंग हो जाएंगे, राइट आंसर बी, पीला, नीला, लाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186, पीला और लाल रंग मिलाने से बनता है, पीला और लाल रंग जब हम मिलाते हैं, पीला और लाल, तो कौन सा रंग बनता है, बैंगनी, हरा, नारंगी, काला। राइट आंसर सी हो जाएगा, नारंगी। पीला और लाल रंग मिलाने से नारंगी रंग बनता है, और लाल रंग की जो होती है तरंग लंबाई 670 से 800 मिली माइक्रॉन होती है, पीले रंग की तरंग लंबाई 580 मिली माइक्रॉन तथा नारंगी रंग की तरंग लंबाई 580 से 800 मिली माइक्रॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 187, देखिए वर्ण के कितने गुण होते हैं, 1, 2, 3, 4, वर्ण के कितने गुण होते हैं। तो वर्ण के कितने गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188, वर्ण क्या है, प्रकाश का गुण, ठोस पदार्थ, रूप का गुण, इनमें से कोई नहीं। वर्ण क्या होता है, तो वर्ण होता है प्रकाश का गुण, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189, मोनोक्रोम क्या है, मोनोक्रोम क्या है, विभिन्न रंगों की तान है, एक ही रंग के विभिन्न तान है, दो रंगों का मिश्रण है, रंगों का गाढ़ापन है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो मोनोक्रोम क्या है, मोनोक्रोम होता है एक ही रंग की विभिन्न तान, ठीक है, मोनोक्रोम क्या होता है, एक ही रंग की विभिन्न तान, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कला के तत्व वाली प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे ये सब कुछ आपको बताया गया है। तो मोनोक्रोम क्या है, एक ही रंग की विभिन्न तान है, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190, देखिए किस रंग की कंपन गति सबसे कम और तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, पीला रंग, हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग, किस रंग की कंपन गति सबसे कम और तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 190 का सही आंसर है लाल रंग, ठीक है, किस रंग की कंपन गति सबसे कम होती है, तो लाल रंग की कंपन गति सबसे कम होती है और इसकी तरंग लंबाई जो होती है वो सबसे अधिक होती है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191, देखिए नीले का पूरक रंग कौन सा है, पीला, लाल, हरा, नारंगी। नीले का पूरक रंग होता है नारंगी, राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। विरोधी रंगते, तो जो रंगते मिश्रण करने पर भूरी हो जाए अर्थात दोनों वर्णों की रंगते समाप्त हो जाए उन्हें विरोधी रंगत कहते हैं, जैसे पीला का बैगनी, हरा का लाल और नारंगी का नीला। तो यहाँ पर आपसे नीले का पूरक रंग पूछा गया है तो नारंगी हो जाएगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इस फिगर को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इस फिगर को देख लीजिए और बिल्कुल ध्यान में रखिए। देखिए नारंगी नीला है, बैगनी पीले का विरोधी, बैगनी है और लाल हरा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 192, देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, लाल, पीला, हरा, बैगनी, नीला, नारंगी, काला, सफ़ेद, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, पूरक रंग, अवर्णीय रंग, यहाँ पर आपको मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, लाल पीला, तो लाल पीला क्या है, ये आपका प्राथमिक रंग है, ठीक है, लाल पीला क्या है, प्राथमिक रंग है। हरा बैंगनी क्या है, हरा बैंगनी आपका द्वितीयक रंग है, ठीक है, और नीला नारंगी पूरक रंग है, काला सफ़ेद जो है ये अवर्णीय रंग है, ठीक है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 193 देखिए, किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है। किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग क्या कहलाता है? पूरक रंग योजना, अवर्णी रंग योजना, एकवर्णी रंग योजना, समीपवर्ती रंग योजना। किसी चित्र में एक ही रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है एकवर्णीय रंग योजना। ठीक है, एकवर्णीय रंग योजना राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194 देखिए, प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग में मिलाकर बनाए गए रंगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दो रंगों का मिश्रण, मुख्य रंग, तृतीयक रंग या फिर पूरक रंग। प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग में मिलाकर बनाए गए रंगों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर सी हो जाएगा, तृतीयक रंग। ठीक है, प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग में मिलाने से जो तीसरा रंग बनता है उसी को हम तृतीयक रंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 195 देखिए, निम्न में प्राथमिक रंग कौन सा है? हरा, नारंगी, लाल, गुलाबी। तो यहाँ पर आपका प्राथमिक रंग हो जाएगा लाल। ठीक है, राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196 देखिए, रंगों के विकास के सही कालक्रम के क्रम का चयन करें। वनस्पतिक रंग, खनिज रंग, ऑप्टिकल रंग, सिंथेटिक रंग। खनिज रंग, ऑप्टिकल रंग, सिंथेटिक रंग, वनस्पतिक रंग। ऑप्टिकल रंग, सिंथेटिक रंग, वनस्पतिक रंग, खनिज रंग। ऑप्शन डी में है सिंथेटिक रंग, वनस्पतिक रंग और खनिज रंग, ऑप्टिकल रंग। तो यहाँ पर रंगों के विकास के सही कार्यक्रम के क्रम का चयन करना है आपको। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सबसे पहले वनस्पतिक रंग, फिर खनिज रंग, फिर ऑप्टिकल रंग, फिर है आपका सिंथेटिक रंग। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197, नीले और पीले रंग का मिश्रण है, नीले और पीले रंग का मिश्रण क्या है? लाल, सफ़ेद, काला, हरा। तो नीले और पीले रंग का मिश्रण होता है हरा रंग। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, VIBGYOR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199 देखिए, एक रंग में बनाए गए चित्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? ढलाई, एकल चित्र, फेरेको, एकल रंग। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, एकल रंग। एक रंग में बनाए गए चित्र को एकल रंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए एक वर्णी योजना क्या होती है। ठीक है, एक वर्णी योजना आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी समझ लीजिए। किसी एक रंग के विभिन्न बलों का प्रयोग एक वर्णी योजना कहलाती है। ढलाई यानी कि कास्टिंग एक प्रकार की ये प्रक्रिया है जो प्राचीन काल से प्रचलित है, और इस प्रक्रिया में क्या कहते हैं? पिघले हुए धातु, मिश्र धातु, प्लास्टिक अथवा किसी जम सकने वाले द्रव को एक सांचे में डाला जाता है ताकि ठंडा हो जाने पे वह सांचे का आकार ले सके। ठीक है, फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग जो होती है ये एक तकनीक होती है जिसे ताज़ा रूप से बिछाए गए गीले चूने के प्लास्टर पर निष्पादित किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक रंग में बनाए गए चित्र को क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकल रंग होता है। लेकिन आपसे एग्जाम में ढलाई भी पूछा जा सकता है, फ्रेस्को भी पूछा जा सकता है और एकल चित्र भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 200 देखिए, निम्नलिखित रंगों में से कौन सा ठंडा रंग नहीं है? नीला है, हरा है, लाल है, हल्का नीला है। अब यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ठंडा रंग नहीं है। तो नीला ठंडा रंग हो जाएगा, हरा भी ठंडा रंग है, हल्का नीला भी है, लाल आपका नहीं है। लाल जो है गर्म रंग होता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 201 देखिए, प्राथमिक रंग है पीला, लाल, नीला, ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी, लाल, पीला, नीला तीनों ही आपके प्राथमिक रंग है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 202 देखिए, काले और सफ़ेद रंग से चित्र बनाने को जाना जाता है, एक वर्णी, बाइक्रोमेटिक, बहुवर्णी नियोजन, श्वेत व श्याम वर्ण। काले और सफ़ेद रंग से चित्र
को बनाने को क्या जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डी, श्वेत व श्याम वर्ण। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, श्वेत व श्याम वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है? नारंगी, लाल, पीला, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, नारंगी, पीला, लाल, ये तीनों ही गर्म रंग होते हैं। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204, निम्न में से उष्ण वर्ण कौन सा है? नीला, लाल, हरा, बैगनी। उष्ण वर्ण आपसे पूछा जा सकता है, तो उष्ण वर्ण क्या होता है? गर्म रंग ही होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205, रंग का मूल कार्य क्या दर्शाना है? सामंजस्य, पोत, अंतराल, भाव। रंग का मूल कार्य क्या दर्शाना है? भाव दर्शाना। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206 देखिए, ओस्टवाड रंग चक्र में कितने प्राथमिक रंग हैं? 3, 4, 6, 8। तो ओस्टवाड के रंग चक्र में कितने प्राथमिक रंग हैं आपसे पूछा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ये आप ओस्टवाड का वर्ण चक्र देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 207 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 207 है, पोत का क्या अर्थ है? ठीक है, वर्ण की शुद्धता, तल का गुण, निश्चित आकार वाला क्षेत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। पोत का क्या अर्थ होता है? तो पोत का अर्थ होता है तल का गुण। ठीक है, धरातल का गुण, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। पोत के तीन प्रकार भी मैंने बताए हैं, कई बार बताए हैं, प्राप्त पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत। ठीक है, तो धरातल का गुण ही पोत कहलाता है, तो यहाँ पर तल का गुण दिया हुआ है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 208 देखिए, सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को कहते हैं? सफ़ेद रंग से, यानी कि सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं टिंट। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को टिंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 209, लाल रंग के साथ हरे रंग का प्रयोग उत्पन्न करता है? वर्ण विरोध, रूप विरोध, तानीय विरोध, रेखीय विरोध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ण विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210 देखिए, निम्नलिखित रंगों को शीतल से उष्ण के क्रम में व्यवस्थित करना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला, हरा, किरमिजी, सिंदूरी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 211 देखिए, अभिकथन है, प्राथमिक एवं द्वितीयक रंग के मिश्रण से तृतीयक रंग बनते हैं। तर्क यहाँ पर बताया गया है, जिसके कारण तृतीयक रंग दो शब्दों के नाम जैसे नीला हरा, लाल बैगनी और पीला नारंगी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों ही यहाँ पर सही हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।